अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डूसू चुनावों के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस वक्त है हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी। याज्ञवल्क्य जी, अभी आप लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें आपने 5 चीजों की बात करी है, 5 P's की, प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, पाठ्यक्रम और परिसर। इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहेंगे हमारे सामने व्यूअर्स को? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ का चुनाव है पूरे देश भर के युवाओं को प्रेरित करता है, और जिस देश में हम लोग निवास करते हैं उस देश की एक लेगेसी है वैशाली से लेकर के वर्तमान के लोकतंत्र तक। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देख सकते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रत्येक छात्रों के लिए डूसू जिस प्रकार से काम करता है, मुझे लगता है देश भर के छात्रों को और छात्र संघों को प्रेरित करता है डूसू। इसलिए डूसू के अंदर में हम चुनाव के अंदर में घोषणा पत्र लेकर के नहीं आए, हम मैनिफेस्टो लेकर नहीं आए, हम एक संकल्प पत्र लेकर के आए। संकल्प ऐसा, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, और डूसू के अंदर में ABEP 5P के ऊपर में चर्चा किया है कि कैम हम सबसे पहले एंट्रेंस यानी प्रवेश के ऊपर में हमने चर्चा किया कि प्रवेश किस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में एक व्यवस्थित हो, विद्यार्थियों के लिए सुगमतापूर्वक हो और सभी प्रकार के छात्रों को सुविधा प्रदान करने वाला हो। दूसरी बात, हमने परिसर के बारे में बात की। आज कई दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में आप देखेंगे कि आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में कई कैंपस हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, गर्ल्स कॉमन रूम को ठीक किया जाए, सभी प्रकार के स्पोर्ट्स से लेकर के स्टूडेंट क्रिएटिविटी सेंटर उसके ऊपर में आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। फिर हमने पाठ्यक्रम के बारे में बात की कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर में लागू है, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण हो। इसके बाद हमने परीक्षा के बारे में बात की है, क्योंकि देश में लगातार 1.5 साल से परीक्षाओं के ऊपर बड़ी चर्चा हुई है, और फिर परिणाम के बारे में हमने बात करते हुए 5P के ऊपर बात किया है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कंसर्न ABEP का है, 1 Course 1 Fee लागू होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक ही कोर्स में छात्रों को अलग अलग प्रकार के शुल्क देने पड़ रहे हैं, इसलिए ABEP ने कहा है कि 1 Course 1 Fee, और छात्राओं की जो हॉस्टल है बहुत कम है, ना काफ़ी है अभी, इसलिए बड़ी संख्या में कॉलेज कैंपस में छात्राओं के लिए अलग से हॉस्टल का निर्माण हो और सेंट्रलाइज उसका अलॉट सिस्टम हो। चूँकि खास करके PG के अंदर में जिस प्रकार से छात्राओं को आज बड़ी संख्या में छात्राओं को हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमने डूसू के अंदर में डूसू के माध्यम से डीओ ओलंपिक की बात कही है, और छात्राओं की सुरक्षा के बारे में ICC के बारे में हमने बात की है। कुल मिलाकर के संकल्प पत्र वर्ष भर काम करते हुए छात्रों के भरोसा के आधार पर, भरोसा पर खरा उतरने के लिए हमने संकल्प पत्र भी जारी किया। इसी से रिलेटेड एक और मुद्दा भी है जो सामने आया है, कि हमारी DU में कई छात्रों से बात हुई, तो DU के कई इवनिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर 8 से 9 या 9 से 10 बजे तक भी क्लासेस होती हैं, तो कई छात्राओं को इससे आपत्ति है कि इवनिंग कॉलेजेस में 9 बजे के बाद क्लासेस ना हो या फिर 8 से 9 तक भी लेट क्लासेस ना हो, तो इस पर, इसके लिए ABEP क्या करेगा? मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई एक डर होगा ऐसे बात कहने के पीछे, या ऐसी महसूस उनको हुआ होगा कि शायद इवनिंग क्लासेस में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, फैसिलिटीज नहीं हैं। ABEP का ये मानना, जैसे हमने तो लाइब्रेरी में 24/7 की बात कही कि लाइब्रेरी ओपन होना चाहिए, प्रत्येक कैंपस में लाइब्रेरी खुलना चाहिए। आज यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न का कोई कारण होगा, तो कारण के समाधान ढूंढने के लिए हम डूसू के अंदर में आए हुए हैं। कोई बहन ने यदि प्रश्न खड़ा किया है तो प्रश्न के हम तह में जाएंगे, कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे, और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं होगी यदि ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, DU एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो मुझे लगता है कि इवनिंग क्लास में किसी को समस्या नहीं होगी। कोई कारण होगा तभी किसी बहन ने प्रश्न खड़ा किया, कारण पर हम जाएंगे और उस समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। याज्ञवल्क्य जी, दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनावों में से एक होता है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को क्या मैसेज देना चाहेंगे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से? देखिए, दिल्ली से देश को उम्मीद है, और आज पूरे देश की जो नीतियाँ हैं उसको प्रभावित करने का क्षमता इस कैंपस के अंदर में है। देश के पहले प्रधानमंत्री भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर के अपील किए थे, देश के मौजूदा प्रधानमंत्री भी दिल्ली के विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ लगातार संवाद करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश भर के युवा और देश भर की पूरी युवा तरुणाई के साथ, प्रत्येक समाज का व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने प्रश्नों का हल ढूंढना चाहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति आज देश भर के एक समाज का ऐसा विश्वास है कि हमारे जो प्रश्न हैं, चाहे वो सामाजिक प्रश्न हो, चाहे वो आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की ये जिम्मेवारी है कि हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सीमा के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति हो, चाहे ग्रामीण परिवेश में बैठा हो, चाहे अर्बन एरिया में बैठा हुआ व्यक्ति हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर आज समाज का भरोसा है,
मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, उस भरोसा को बहाल रखें और बेहतर भारत बनाने में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का सबसे बड़ा योगदान है। आप आइए अगली पंक्ति में, देश की पॉलिसी से लेकर के देश की पूरी प्रकार की व्यवस्थाओं पर आप एक ऐसा छाप छोड़े जो दिल्ली विश्वविद्यालय की लेगेसी है, उस लेगेसी को पूरा हिंदुस्तान सलूट करना चाहता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डूसू 2024 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ हैं एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी हर्ष अत्री। हर्ष, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मैनिफेस्टो पे, क्या है आपकी मैनिफेस्टो की हाईलाइट्स? देखिए, की हाईलाइट्स बताने से पहले मैं बस आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो है ये किसी भी एक छोटी सी कमेटी ने किसी एक एसी के रूम में बैठ के नहीं बनाया। इस मैनिफेस्टो का जो फीडबैक है, जो स्टूडेंट फेस्टो हम लेके आए हैं, इसका जो फीडबैक है वो अलग अलग अभियानों और अलग अलग संवाद के मैकेनिज्म के माध्यम से आए फीडबैक के द्वारा बनाया गया है। हर्ष, एक चीज़ देखने को आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू स्पेशल बसेस का मुद्दा हर बार रहता है, तो ऐसे में आपने बताया कि अभी हाल ही में दो रूट्स पे यू स्पेशल बसेस स्टार्ट हुई हैं, ऐसे में आप बता रहे हैं विद्यार्थी परिषद की और कोशिश रहेगी कि और रूट्स पे यू स्पेशल बसेस स्टार्ट की जाए, तो वो कौन कौन से रूट्स रहेंगे? देखिए, जो अपने ऑफ कैंपसेस के कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस से हम वेस्ट दिल्ली जाएँ, नॉर्थ कैंपस से हम साउथ कैंपस जाएँ, नॉर्थ कैंपस से हम साउथ ईस्ट दिल्ली जाएँ, नॉर्थ कैंपस से हम ईस्ट दिल्ली जाएँ, तो इन सभी रूट्स को बेसिकली रिंग रोड जो दिल्ली का है उन रूट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रूट बना सकते हैं, आउटर रिंग रोड के कॉलेजेस को कनेक्ट करने के लिए दूसरा रूट। ऐसे अलग अलग रूट्स पे हमने सुझाव दिए हैं, अलग अलग रूट्स पे बसेस चलें, ना केवल रूट्स पर परंतु मेट्रो स्टेशन से लेके कॉलेज के गेट तक मेट्रो फीडर बसेस चलें, जिसमें जो ई रिक्शा का महंगा किराया है, ऑटोज़ का महंगा किराया है, उससे विद्यार्थियों को राहत मिले, उसको लेकर भी यू स्पेशल बसेस जो है हम डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट जब दिल्ली सरकार इस पूरी डिमांड में हमारी में रोड़ा अटका रही थी, तो हमने अपना खुद का फंड, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो फंड था वो एबीपी लेट डूसू ने यूनिवर्सिटी को सौंपा और कहा कि आप इससे स्टूडेंट्स के लिए बस चलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। हमारे साथ इस वक्त एबीपी के राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल हैं। शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपके लिए। धन्यवाद शिवांगी। इस वक्त एक सबसे बड़ी बात उठ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस चीज की अर्जी डाली गई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में दो सीट महिलाओं के मतलब छात्राओं के लिए रिजर्व करनी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहिए, एबीपी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखा जाए तो इतिहास में विद्यार्थी परिषद ने दो जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पहले भी हमने खड़ी करी थी और विजय भी उन्होंने प्राप्त करी, चाहे हम दवास जी की बात करें, प्रिया दवास जी हो, नीतू दवास जी हो, तो ज़रूरी उसका स्वागत है। और विद्यार्थी परिषद तो हमें हमेशा से वुमेन डेवलपमेंट और क्या कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, हर वर्ष विद्यार्थी परिषद में रिप्रेजेंटेटिव होता ही है वुमेन का, और दो सीटें अगर विद्यार्थी परिषद पहले भी देते आया है और अगर कोर्ट ने ये बोला है तो उसका जरूर स्वागत है। आपने मैनिफेस्टो में मिशन स्वाभिमान और मिशन ऋतुमती की बात करी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे छात्रों को? देखो, मिशन स्वाभिमान हमारा एक सर्वेक्षण था जहाँ पर हमने हर कॉलेजेस में जाकर छात्राओं को टच करा, उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं उनको टच करा। आप मानेंगे कि 20,000 से ज़्यादा छात्राओं को हमने मिशन स्वाभिमान में टच करा और जितनी भी समस्याएं हैं वुमेन्स को लेकर, फीमेल्स को लेकर, वो हमने सारी की सारी इस बारी मैनिफेस्टोज में डाली है। ऋतुमती अभियान हमने पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में शुरू करा और पूरे देश भर में ऋतुमती अभियान हम चला रहे हैं। एक जो पीरियड्स की जो हम बात करते हैं, जो एक टैबू है जो खुल के बातचीत नहीं करी जाती है, वहाँ पर हम बस्तियों में जाकर, क्लस्टर एरियाज़ में जाकर एक अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं पीरियड्स के ऊपर। शिवांगी, कितना आश्वस्त हैं आप 4-0 के लिए? देखिए, इस बारी हमें पूरा विश्वास है क्योंकि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष जो भी मैनिफेस्टो लाता है वो कंप्लीट करता है और इस बारी स्टूडेंट्स ने पूरा आश्वासन दिलाया कि इस बारी विद्यार्थी परिषद को विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी।